वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर को जानने से पहले यह जान लेते हैं कि हमारे बॉडी में लिम्फ नोड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमारे बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए आर्टरीज और वेन होती है, उसी तरह से हमारे बॉडी में लिम्फ के सर्कुलेशन के लिए भी लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं। उन्हीं लिम्फेटिक चैनल्स में जगह जगह पर लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। वही लिम्फ नोड्स हमारे बॉडी में एक तरह के डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी कार्य करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि लिम्फ नोड क्या होता है। लिम्फ नोड एक स्मॉल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर यानी ग्रंथि संरचना है, जिसे कि लिम्फ ग्लैंड्स या लिम्फेटिक नोड्स भी बोलते हैं। तो चलिए अब लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि लिम्फ नोड में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी में जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं, प्रत्येक लिम्फ नोड लिम्फेटिक टिश्यू से बने होते हैं और वे चारों तरफ से डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से घिरे होते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी में जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं, वो तीन तरह के स्ट्रक्चर से अरेंज्ड होते हैं, जिसमें पहला है कॉर्टेक्स और उसके बाद होता है पारा कॉर्टेक्स और उसके बाद मेडल्ला। दोस्तों, लिम्फ नोड के कैप्सूल के बाद जो स्ट्रक्चर है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो पारा कॉर्टेक्स और उसके अंदर यानी सबसे इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो मेडल्ला कहलाता है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर मेडल्ला कहलाता है। लेकिन कॉर्टेक्स और मेडल्ला के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, बीच में जो स्पेस होते हैं, उसे कहते हैं पारा कॉर्टेक्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो कॉर्टेक्स है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल होते हैं, यानी कॉर्टेक्स में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, कॉर्टेक्स में प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल्स और सेकेंडरी लिम्फाइड फॉलिकल्स पाए जाते हैं। प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल्स पहले डेवलप होता है, लेकिन जब हमारे बॉडी में इस लिम्फेटिक यानी अफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल के जरिए लिम्फ इंटर करता है और उस लिम्फ में अगर कोई फॉरेन बॉडीज यानी जैसे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो उस कंडीशन में जो प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल्स हैं वो प्रोलीफ्रेट करने लगते हैं और प्रोलीफ्रेट करने के बाद सेकेंडरी लिम्फाइड फॉलिकल्स का निर्माण कर देते हैं। इसके साथ साथ जो कॉर्टेक्स का हिस्सा होता है, इसमें बी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं और उसके साथ साथ मैक्रोफेज भी होते हैं। यानी कॉर्टेक्स वाले हिस्से में बी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज भी होते हैं और उसके साथ साथ प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल और सेकेंडरी लिम्फाइड फॉलिकल्स भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पारा कॉर्टेक्स की। दोस्तों, मेडल्ला और कॉर्टेक्स के बीच का जो स्पेस होता है वो पारा कॉर्टेक्स कहलाता है। अब बात करते हैं कि पारा कॉर्टेक्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल हैं, यानी इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दोस्तों, पारा कॉर्टेक्स में टी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, जो कि एक तरह का इम्यून सेल है, जो कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, यानी मेडल्ला। मेडल्ला में बी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं और मैक्रोफेज भी होते हैं। दोस्तों, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारे बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसका प्रोडक्शन भी बोन मैरो में होता है और मैच्यूरेशन भी बोन मैरो में होता है, इसीलिए इसे बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, यानी बी फॉर बोन मैरो। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसका प्रोडक्शन तो बोन मैरो में होता है, लेकिन इसका जो मैच्यूरेशन होता है वो थाइमस ग्लैंड में होता है, इसीलिए इसे टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और मैक्रोफेज, जो कि बैक्टीरिया को इंगल्फ करने में, बैक्टीरिया को इंगल्फ करके उसे किल करने में हेल्प करता है। इस तरह से जो हमारे इनर पार्ट्स यानी कि मेडल्ला हैं, उसमें तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज। तो चलिए अब लिम्फेटिक वेसल्स की बात करते हैं, यानी वे कौन कौन से लिम्फेटिक वेसल्स हैं जिसके जरिए लिम्फ नोड में लिम्फ इंटर करता है। दोस्तों, लिम्फ नोड में अफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए लिम्फ अंदर आता है और इफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए लिम्फ बाहर निकलता है। अफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स की संख्या एक या दो भी हो सकती है। इसके जरिए क्या होता है, हमारे बॉडी में जो लिम्फ लाया जाता है, इसी वेसल्स के जरिए लिम्फ को लिम्फ नोड के अंदर दिया जाता है और यहाँ से लिम्फ होते हुए छोटे छोटे जो ड्रेनेज हैं, इसके जरिए फिर मेडल्ला तक पहुँचता है। यानी कि जो अफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, उससे लिम्फ इंटर करता है, फिर यहाँ से लिम्फ कॉर्टेक्स, पारा कॉर्टेक्स से होते हुए मेडल्ला में आता है और फिर मेडल्ला से होते हुए जो इफ्रेंट वेसल हैं, यानी कि जो इफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल हैं, इसके जरिए लिम्फ बाहर ड्रेन कर दिया जाता है। अगर लिम्फ नोड में लिम्फेटिक सर्कुलेशन को ब्रीफली देखें, सबसे पहले क्या होगा, हमारे बॉडी में जो लिम्फेटिक चैनल्स के जरिए लिम्फ आएंगे, वो अफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए इसमें इंटर करेगा और यहाँ से छोटे छोटे ड्रेनेज के जरिए कॉर्टेक्स, पारा कॉर्टेक्स, फिर मेडल्ला में आएगा।
फिर मेडल्ला में आने के बाद फिर यहाँ से ये इफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए बाहर ड्रेन कर दिए जाते हैं, यानी अफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स से लिम्फ अंदर आता है और इफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए लिम्फ बाहर ड्रेन कर दिया जाता है। लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर को जानने के बाद अब बात करते हैं कि लिम्फ नोड का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है। दोस्तों, लिम्फ नोड का हमारे बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में, यानी कि इम्यून सिस्टम में लिम्फ नोड का बहुत बड़ा किरदार होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया, फॉरेन बॉडीज या वायरसेस जाते हैं उसे ये फिल्टर करने का काम करते हैं और मैक्रोफेज बैक्टीरिया को किल करने का काम भी करते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसके जो रीजनल लिम्फ नोड होते हैं वो इनलार्ज्ड हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर बैक्टीरिया को ट्रैप कर लिया जाता है और फिर उसे किल करने का काम लिम्फ नोड करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।